लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती तो दिसंबर 2018 में भी सरकार बना सकती थी, लेकिन पार्टी कभी सरकार बनाने और गिराने के खेल में नहीं रही। कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में जनता प्रदेश की बदहाली देख रही थी और कांग्रेस के अपने लोग भी इससे असंतुष्ट थे। पर्दे के पीछे से सरकार चला रहे दिग्विजय सिंह की नीतियों और अपने ही बोझ से ही कमलनाथ सरकार गिरी है। यह बात भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णु दत्त शर्मा और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने शुक्रवार को मीडिया से चर्चा करते हुए कही। इसके पूर्व विधानसभा से प्रदेश कार्यालय पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश संगठन प्रभारी डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे, राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णु दत्त शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्रीमंत राजमाता विजया राजे सिंधिया जी, पार्टी के पितृपुरुष कुशाभाउ ठाकरे जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और पार्टी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। लगातार आनाकानी के बाद, विश्वास मत को टालने के बाद भी सर्वोच्च न्यायालय ने जो कल फैसला दिया उसके परिप्रेक्ष्य में आज जो फ्लोर टेस्ट होना था इसको कमलनाथ के मंत्रियों ने, कमलनाथ सरकार ने इसको स्वीकार करते हुए जो अल्पमत में है उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया है। मैं सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बहुत ही पारदर्शी व्यवस्था, अनुकरणीय व्यवस्था, जो एक साइटेशन बनेगी, जो एक नज़ीर बनेगी हिंदुस्तान के विधायी इतिहास में, वो संवैधानिक इतिहास में उन्होंने दी है। कोहरा छटा है, धुंध छटी है, राजनीतिक हलकों से, प्रशासनिक हलकों से अधिकारी हाथ पर हाथ रखे बैठे थे क्या होना है। राजनीतिक लोग को भी कंकृत विमूढ़ थे, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था हमारा बहुमत, हमारा बहुमत, हमारा बहुमत। मध्य प्रदेश के अंदर पूरा मीडिया जगत इस बात को जानता है कि मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश के गरीब लोग, मध्य प्रदेश का नौजवान, मध्य प्रदेश की माताएं बहनें किस प्रकार से इस सरकार से पीड़ित और प्रताड़ित हैं। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर आक्रमण करने का प्रयास इस सरकार ने किया। हर वैधानिक, भारतीय जनता पार्टी के कामों को अवैधानिक करने का प्रयास इस सरकार ने किया, केवल इसलिए कि विधायकों पर दबाव डाला जाए, उनके समर्थकों पर दबाव डाला जाए, उनके परिवारों पर भी दबाव डाला जाए कि हम सत्ता में जिस झूठ और छल कपट के साथ आए थे हम उसको कैसे सत्ता में फिर से रह सकते हैं। और आपने देखा कि उनके नेतृत्व ने, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, माननीय शिवराज जी ने, माननीय गोपाल जी ने इस बात को लगातार कहा, यह सरकार अपने अंतर्द्वंद्व और अपने अंतर विरोध से गिरी हुई सरकार है। उनके नेता ने कहा कि हम सड़कों पर उतर जाएंगे, क्यों? जनता में आक्रोश है। उनके मंत्रियों ने, विधायकों ने कहा कि भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है, सारी कानून व्यवस्था मध्य प्रदेश की बिगड़ गई थी, इस कारण से ये सरकार का पतन आज जो हुआ है उनके अंतर विरोध और अपने आंतरिक कलह के कारण। आज उनको फ्लोर टेस्ट के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के साथ, जब उनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश किया तो मुझे आज कहने में कोई संकोच नहीं है कि रणछोड़ दास रणछोड़ करके भाग गए। भारतीय जनता पार्टी का पूरा दल हमारे नेताओं के नेतृत्व में विधानसभा के अंदर गया, लेकिन जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो रणछोड़ करके भाग गए। उनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ जो उन्होंने अन्याय किया है, कार्यकर्ताओं के साथ, प्रदेश की गरीब जनता के साथ जो अन्याय किया, इसका जवाब कमलनाथ जी, इस मध्य प्रदेश की जनता अभी आपको छोड़ेगी नहीं। एक एक घटना का और आपने जो गरीबों के साथ अन्याय किया उसका हिसाब किताब ब्याज के साथ चुकता है मध्य प्रदेश की जनता अभी भी करेगी। और इस बार भी अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता गिराने बचाने के खेल में नहीं गई। स्थितियां मध्य प्रदेश की इतनी विस्फोटक हो गई कांग्रेस के मित्र इतने नाराज हो गए,
देश की बदहाली देख के, दुरावस्था देख के, कमलनाथ जी तो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनके आसपास जो काम कर रहे थे श्री दिग्विजय सिंह जी, अब उनके कारण परिस्थिति ऐसी पैदा हो गई कि ये सरकार गिर गई और सवा साल में जनता ने भी ये महसूस किया कि हमारा प्रदेश तबाह और बर्बाद हुआ है, अपने वोट से ये सरकार गिरी है और आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है। अब वो आत्मविश्लेषण करें कैसी परिस्थितियां क्यों पैदा हुई। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।